मेरा नाम सरजीत, मेरा नाम अनुमान है। कल हमसे एक महिला की वीडियो बन गई, जिसकी वजह से हम क्षमा चाहते हैं। कानून सबके एक समान है, सबके लिए एक समान है। कानून सब कानून से भी क्षमा चाहते हैं। ये मेरा भाई आदिल है, ये भी क्षमा चाहता है। मैं की माफी मांगता हूँ, महिला से भी, और कानून सबके लिए बराबर है और भविष्य में कोई गलती नहीं होगी हमारे। हम माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं इस बात के लिए। हम दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें इन दोनों मुसलमानों ने एक मुस्लिम महिला जो बुर्का पहन के दारू लेने के लिए आई थी उसको धमकी दे रहे थे गला काटने की। वीडियो वायरल हो गई और ये दोनों बंदे सिकंजे में आ गए। अब ये दोनों हाथ जोड़ के कानून की विनती कर रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती नहीं होगी। उस वक्त जब महिला अकेली थी तब इनको कानून नहीं याद आया था और तब वो लोग उसको कत्ल करने की धमकी दे रहे थे। आप वो वीडियो भी देख लीजिए जिसमें ये उस महिला को धमकी दे रहे थे। देखो अच्छी नहीं है। नहीं, क्या बात है, बात बताओ मुझे, कुछ बात तो पता चले। मतलब क्या मजबूरी है? तो मतलब तुम शराब खरीदोगी का दुकान पे मार्केट के अंदर है? नहीं, बैग में है बियर ही है ये। तुम्हें मतलब सही नजर आ रही बियर है? हो नहीं, बात ऐसा है, नहीं फरीदा करने से नहीं, मैं सब जानू, ठीक है? नहीं पहरा नहीं लगा रहा मैं, हमारी यहाँ से कट रही है मुसलमान। एक मिनट में चाय जेल जाना पड़ जाएगी मुझे, समझ रही? 5 साल के ऐसे मेरे अगर पता होती है। जेल जान लिया इसी मामलों में यार। बियर पड़ी थी, दारू खरीद रही वहाँ मार्केट में, मुसलमान में मेरे सामने बेइज्जती हो रही है वहाँ हिंदुओं के सामने यार, वहाँ खड़ी रहे बुरखे के सामने दारू इनके उसमें। दोस्तों, कल तक ये गरज रहे थे और आज ये गीदड़ बन के गिड़गिड़ा रहे हैं। जब कानून का सिंगंजा कसा तो इनको इनकी अम्मी याद आ गई। अब ये लोग अपने आप को छुड़ाने के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा चाह रहे हैं कि हमें क्षमा कर दो। उर्दू भी भूल गए, माफ़ी नहीं बोल रहे, क्षमा बोल रहे हैं। और इन दोनों को देखिए कि कैसे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। लेकिन आपको लगता है कि यह सुधरेंगे? मुझे तो लगता है नहीं सुधरेंगे, क्योंकि इनकी परवरिश ऐसे माशरे में हुई है, ऐसे मज़हब में हुई है कि ये औरतों को हमेशा ही नीचा दिखाएंगे और नीचा ही समझेंगे। इसलिए ये लोग नहीं सुधर सकते। ये इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि अब कानून के शिकंजे में, और कानून के शिकंजे में नहीं होते तो इनको कोई पश्चाताप, इनको कोई क्षमा, ये सब नहीं मांगते ये लोग। ये तब भी अपने बात में खड़े रहते और कहते कि भाई तुम जो कर रहे हो ना, इसके लिए हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। इन दोनों गुंडों को जेल में देख के बड़ी खुशी हो रही है। मैं आशा करती हूँ कि इनको संविधान के हिसाब से सजा दी जाएगी और ये लोग बाहर छूटेंगे अपनी सजा काट के। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।